ट्रेनों से सफर करने से पहले यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अब दौड़ते भागते कूदते फांदते छूटती हुई ट्रेन पकड़ने के दिन लद गए। ट्रेनों से सफर करने से पहले अब एयरपोर्ट वाली आदत डाल लो। जी हाँ, जिस तरह से फ्लाइट के टेक ऑफ से कुछ वक्त पहले एंट्री बंद कर दी जाती है, ठीक वही नियम अब भारतीय रेलवे भी लागू करने जा रहा है। यानी एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेनों के रवाना होने से पहले ही एंट्री गेट बंद कर दिया जाएगा। जिस तरह से फ्लाइट पकड़ने के लिए आप घर से 2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं, ठीक उसी तरह से ट्रेन पकड़ने के लिए आपको घर से कुछ घंटे पहले निकलने की आदत डालनी होगी। अब एयरपोर्ट की राह पर भारतीय रेलवे भी चलने को तैयार है। वो दिन दूर नहीं जब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों पर भी आपको सुरक्षा जांच और दूसरी प्रक्रिया से गुजरना होगा, और ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको ट्रेन के समय से 20 मिनट पहले पहुंचना होगा। अगर आप स्टेशन पर 20 मिनट पहले नहीं पहुंचते हैं तो हो सकता है आपको स्टेशन का एंट्री गेट बंद मिले। सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ये कदम उठाने जा रहा है। दरअसल रेलवे हवाई अड्डों की ही तरह स्टेशनों को भी सील करने की योजना बना रहा है। इस योजना के मुताबिक सुरक्षा जांच के लिए यात्रियों को स्टेशन पर 20 मिनट पहले ही पहुंच जाना होगा। कुंभ मेले को देखते हुए फिलहाल इस नियम को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन और कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है। कुंभ मेले के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और तैयारी हर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कर लेना चाह रहा है। इसी कड़ी में कुंभ मेले की तैयारी में इलाहाबाद जंक्शन पर भी तैयारी लगभग यहां रेलवे अधिकारी की माने तो पूरी हो गई है, और इस कड़ी में एक नई कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट की तर्ज पर यहां पर भी सभी यात्रियों की चेक इन के लिए 20 मिनट के पहले, मतलब ट्रेन खुलने से 20 मिनट पहले यात्रियों को अपना चेक इन कराना पड़ेगा, वही यात्री ट्रेन में सफर कर सकता है। योजना के मुताबिक यात्रियों को हाईटेक सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ये पूरी प्रक्रिया पूरी करने में कुछ देर का वक्त लग सकता है, लिहाजा यात्रियों को ट्रेन डिपार्चर से पहले ही स्टेशन पहुंचना होगा। हालांकि यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशनों पर घंटों पहले आने की मजबूरी नहीं होगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रेलवे जल्द ही 202 स्टेशनों पर इस योजना को लागू कर देगा। इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। हाईटेक सुरक्षा के लिए रेलवे 2016 में बने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम यानी ISS के तहत सुरक्षा घेरा तैयार करने जा रहा है। इससे जवानों का बोझ काफी कम होगा। इसके तहत 202 स्टेशनों का सुरक्षा घेरा मजबूत करने के लिए 385 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। स्टेशनों पर सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। अपराधियों की पहचान के लिए भी रेलवे बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर जवानों को अलर्ट कर देगा। यात्रियों की जांच रैंडम तरीके से की जाएगी। इलाहाबाद से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।